आप ही नहीं, आपके पहनावे में ही आदिवासीयत नहीं झलकती है, बल्कि आपकी कार भी कहती है कि यह आदिवासी लीडर की कार है। ऐसा क्या हमारे खास देश है? में हमारा आदिवासी को कभी कभी ये भी कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र में, जो प्रधानमंत्री के द्वारा, कि भारत देश में आदिवासी है नहीं, वनवासी है, और वनवासी कल्याण भी यहाँ पे अभी चला रहे हैं। लेकिन आज हम लोग उसको प्रूव करना चाहते हैं कि भारत देश में आदिवासी है, और हम आदिवासी प्राकृतिक पूजक पुनः है। फिर से अपना आदिवासी रूढ़िवादी जो हम लोग को बोला जाता है कि हम लोग आदिवासी अलिखित व्यवस्था में है, और अलिखित व्यवस्था ही हमारा सारा संविधान है। दुनिया में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, और ये खास होने वाला है। और खास की बात जब करते हैं तो ये जो कार है ये भी खास है, एक आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता की एक गाड़ी है, रूढ़ी प्रथा पढ़ा सरकार रांची झारखंड, यानी कि झारखंड की आदिवासी संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करता है ये कार। इतना लगाव क्यों है, किनको है, ये जानेंगे। हमारे साथ है जर्गे उराव, जिनकी ये कार है। जोहार रहेगा आपको हमारी तरफ से। जोहार दादा, आप सबों को और मेरे आम जनता को भी, सबसे पहले तो विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं। आप सबों को भी ढेर सारा शुभकामना, और जनता को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। सिर्फ आप ही नहीं, आपके पहनावे में ही आदिवासीयत नहीं झलकती है, बल्कि आपकी कार भी कहती है कि यह आदिवासी लीडर की कार है। ऐसा क्या खास है? ये मेरी अपना एक आइडेंटिफाई है, मेरा पहचान है, कि जब इस दुनिया, पूरे भारत देश में आज सभी ने, हम तो अभी 3 साल से यहाँ पर पूरे झारखंड में काम कर रहे हैं, अपना रूढ़िवादी से संचालित व्यवस्था जो हमारे पुरखों का बनाया हुआ, मेरा पूर्वजों के द्वारा विरासत के रूप में हमारे लिए जो पढ़ा व्यवस्था बनाया हुआ है, और ये पढ़ा व्यवस्था में बहुत शक्ति है। तो हम अपने साथ जो भी मेरा है, वो मेरे सारे चीज, मेरा प्राकृतिक से लेकर के मेरा जितने भी सामग्री है, सब आदिवासी से एक विलोम है। रूढ़िवादी पढ़ा की बात करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं, तो एक और पढ़ा जत्रा मेला भी आप लोग लगाते हैं, मनाते हैं, तो कितना समृद्ध मानते हैं इस संस्कृति को आप? आज आदिवासी हम लोग, जो हमारा पहचान है ना, यही संस्कृति, हमारा भाषा, हमारा जतरा, हमारा सेंदरा, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हमारा नियम कानून बनाने के लिए बिशु सेंदरा जाते हैं सरहुल से पहले, और ये हमारा आदिवासी को आइडेंटिफाई करता है, वो अपना पहचान देता है। और नहीं तो हमको तो मिटाने में लगे हुए हैं सारे लोग। अभी पूरे भारत देश में हमारा आदिवासी को कभी कभी ये भी कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र में, जो प्रधानमंत्री के द्वारा, कि भारत देश में आदिवासी है नहीं, वनवासी है, और वनवासी कल्याण भी यहाँ पे अभी चला रहे हैं। लेकिन आज हम लोग उसको प्रूव करना चाहते हैं कि भारत देश में आदिवासी है, और हम आदिवासी प्राकृतिक पूजक है। आदिवासी से ही ये पूरे संसार का संचालित होता है। तो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और झारखंड जो है आदिवासी बहुल राज्य है, और झारखंड की राजधानी में आप जैसे जो आदिवासियों के हितैषी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, क्या कुछ सोच रखते हैं, क्या कुछ लोगों को बताना चाहते हैं? हम यही बताना चाहेंगे कि हमारे लिए ये विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त के दिन आधिकारिक घोषणा मिली है, इन्हें बृहत रूप में हम लोगों को मनाने की जरूरत है। क्योंकि आज विश्व आदिवासी दिवस, इसी से पता चलता है कि हमारे लिए एक अलग अपना एक पहचान मिला है, और इस पहचान के द्वारा हमारा हक और अधिकार को मांगने के लिए, अपना अधिकार की बातों को रखने के लिए ही विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को हम लोग मनाते हैं। आज के समय में आदिवासी अपनी सभ्यता, संस्कृति, खान पान, पहनावा कहीं ना कहीं भूलती जा रही है। आने वाली पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और उन तक और भी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है? एकदम
कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को भी आज महसूस होता है कि हम लोग बच्चे लोगों को कुछ हम लोग का ज़्यादा ऊंचा सोच रखे, पढ़ाई से ही सब कुछ है ऐसा सोचे हम लोग और इंग्लिश मीडियम भेजना चालू किए, लेकिन अभी हम लोग को पता चल रहा है कि हमारे बच्चे केवल इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे तो इंग्लिश तो ज़रूर बोल लेंगे, लेकिन मेरा जो धुमकुड़िया, मेरा जो अखड़ा व्यवस्था है, सांस्कृतिक जो जिससे आदिवासी का पहचान है, उसको अपना भाषा को, संस्कृति को, अपना सभ्यता को, अपना धरोहर को, सभी को भूल जा रहे हैं। इसलिए हम लोग अभी गांव-गांव में पूरा अभियान चला रहे हैं कि अपना भाषा को संरक्षित करने के लिए हमारा भाषा को बोलना होगा, हमारा संस्कृति को बचाने के लिए अपना अखड़ा को जीवित रखना होगा, हमारा जो नियम और कानून को चलाने के लिए हमारा धुमकुड़िया व्यवस्था को बढ़िया से रखना होगा, ऐसा हम लोग अभियान चला रहे हैं। और बहुत हद तक अभी 3 साल के दरमियान में हम बहुत सारा ठीक कर भी चुके हैं, क्योंकि पाढ़ा व्यवस्था हमारा पूर्वज का बनाया हुआ एक अपना शासन व्यवस्था है, जो स्वशासन व्यवस्था आदिवासियों का है, तो इसी को हम लोग जीवित कर पुनः अभी फिर से जैसे मेरा पूर्वजों के द्वारा अपना अखाड़ा में ही सारा चीज़ को निर्णय करते थे, अपना एक केंद्र बिंदु बना करके पाढ़ा के जरिए अपना कोई भी किसी प्रकार का मसला हो उसको निर्णय लेते थे, उसी तरह भी हम मेरे बहुत जगह जगह से मेरे पास फोन आता है, हम जाते भी हैं, चाहे वो जमीन का लड़ाई हो, चाहे पारिवारिक लड़ाई हो, चाहे मारपीट का हो, किसी भी प्रकार का लड़ाई हो, हम जा कर के अपना समाज को आदिवासी समाज में समझाने का प्रयास करते हैं। और आदिवासी मूलवासी सभी को ये एक हम लोग का सीख लेना है कि हम लोग का आदिवासी समाज के साथ हम लोग को कैसे रहना है, क्योंकि मेरा शासन व्यवस्था से पहले ये सरकार नहीं आया है, सरकार को हम लाए हैं, हमको सरकार अच्छा करेंगे बोल करके इसमें लाया गया, लोकतांत्रिक लाया गया, यहाँ पे चुनाव का प्रक्रिया लाया गया, लेकिन अभी चुनाव का प्रक्रिया जब से आया है, लोकतांत्रिक जब से आया है, लोकतंत्र तो जरूर बना लेकिन हम लोगों को वो संरक्षण नहीं कर सक रहा है, इस कारण से अब हम लोग पुनः फिर से अपना रूढ़िवादी जो हम लोग को बोला जाता है कि हम लोग आदिवासी अलिखित व्यवस्था में हैं और अलिखित व्यवस्था ही हमारा सारा संविधान है, तो संविधान में भी हम लोग को मिला है अधिकार मिला हुआ है कि आर्टिकल 13 3 का में स्पष्ट रूप से बोलता है कि दो संविधानिक प्रावधान है, एक जुडिशियल एक नॉन जुडिशियल, लिखित व्यवस्था और अलिखित व्यवस्था, तो उसी अलिखित व्यवस्था में हम लोग आते हैं, इसलिए कि हम लोग का सारे काम मरनी हो, जन्म हो, कर्म हो, शादी हो, बिहा हो, सब हमारा अपना रूढ़िवादी के अनुसार होता है, हमारा शादी बिहा या जन्म संस्कार से मृत्यु संस्कार किसी प्रकार का कोई किताब के अनुसार नहीं होता है, लिखित के अनुसार नहीं होता है, इसलिए हम लोग बचेंगे तभी बचेंगे, हमारा अपना पुरखा का जो बनाया हुआ सिस्टम व्यवस्था है, जो पुरखा का बनाया हुआ रोड है, उस रोड में हम लोग चलेंगे, ना कि हम दूसरा का बनाया हुआ रोड में अगर जाएंगे और सोचेंगे हम लोग बच जाएंगे, तो जिस तरह से हम लोग शिकार जाते हैं तो किसी को फंसाने के लिए जाल रोपते हैं और वो अगर अचानक दूसरा तरफ दौड़ पड़ता है तो जाल में फंस जाता है, उसी तरह हमारा आदिवासी को भी हम संदेश देना चाहते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस बहुत ही हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और हम लोग को पूरा गाँव गाँव एक एक व्यक्ति को 9 अगस्त के दिन विश्व आदिवासी दिवस के दिन कम से कम सारे कामों को छोड़ करके अपने बाल बच्चा अपना आने वाला पीढ़ी का अधिकार को कायम रखने के लिए हम लोग को विश्व आदिवासी दिवस मनाने की जरूरत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जर्गे उराव, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे, झारखंड के आदिवासी किस तरह से रहते हैं, उनकी परंपराएं विरासत क्या कुछ खास है ये बता रहे थे, ये सब सिर्फ इसी तरह के लोगों से आपको जानने और सुनने को मिलेगा, इसके लिए कोई ग्रंथ नहीं बना हुआ है, कोई किताब नहीं लिखा हुआ है, बल्कि आपको अपने पुरखों से ही जानने को मिलेगा और यही आपको आने वाली पीढ़ी को भी देना है और अपनी विरासत को बचाना है। आदिवासी दिवस से रिलेटेड हर बातें बताएंगे और जर्गे उरांव के व्यक्तित्व को और भी करीब से जानने के आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।